खरगोन जिले की कपास मंडी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कार्यक्रम निरस्त होने के बाद अब गरीब परिवार घर से शादी करने को मजबूर हैं। इसी बीच इंदिरानगर इलाके की बेटी बसंती का विवाह उसके पिता अपना घर गिरवी रखकर कर रहे हैं, जो बड़ी ही चिंता का विषय है। हम आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने से विवाह कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है, जिसमें विवाह परिवारों में हड़कंप मच गया है और अब वो घर से शादी करने को मजबूर है। इस दौरान लड़की के पिता गजानंद सोलंकी ने घर गिरवी रखकर शादी करने की बात कहते हुए शासन स्तर पर आर्थिक सहायता की मांग की है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शासन के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बसंती की शादी में और ये आ गया, निरस्त हो गया, इसके लिए हम कर्जा करके शादी कर रहे हैं। घर से शादी कर रहे हैं या घर से शादी कर रहे हैं? सम्मेलन का निरस्त हो गया, इसके लिए घर से शादी कर, कर्जा लेके घर गिरवी रख के। अब क्या प्रशासन क्या मांग करते हैं आप? अब कहीं भी रहोगा तो तुम्हारा हिस्सा तो दे दो। क्या नाम है? गजाना। शादी नहीं हो पा रही घर से। स्वामी विवाह सम्मेलन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 1 जून को होना था, चूँकि प्रभारी मंत्री द्वारा ही ये तारीखें घोषित की गई थी और अब जबकि सब सारी तैयारियां हो चुकी है शादी की, तब शासन सरकार द्वारा आचार संहिता का हवाला देकर सम्मेलन के 1 जून में होने वाले सम्मेलन को निरस्त कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में दुल्हन और जितने भी परिवार हैं उनको एंड टाइम पर सारी व्यवस्था जुटा कर बारात तो उतारना पड़ेगी, शादी कैंसिल हो नहीं सकती, हल्दी लग गई है दुल्हन को, अब घर गिरवी रखे या अन्य कर्जा लेकर शादी संपन्न करवाना पड़ेगा। अभी बारात कल आई, घर से ही कर रहे हैं शादी या? अब घर से ही करना पड़ेगी ना, क्योंकि अब वहाँ तो निरस्त हो चुका है जी। और जब पूर्व में प्रस्तावित जो हो जाता है सरकारी नियम के अनुसार, तो वो कैंसिल कैसे हो जाता है? योजना जो प्रस्तावित है वो आचार संहिता से प्रभावित नहीं होती, या तो मामा की सरकार के पास बजट नहीं है, या फिर क्या कारण है क्यों निरस्त की गई? क्या नाम है आपको? कैलाश साठे। बसंती के विवाह होने वाला, क्या मामला? हाँ जी बोलो। हम बोल निरस्त हो, बोलो बोलो आप। देखो ये बसंती भाई का जो विवाह जो सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो आवेदन दिया था, तो ये तो आचार संहिता के पहले ही ये व्यवस्थाएं हो चुकी थी और ये प्रभारी मंत्री जो आए थे उन्होंने पहले ही इसको घोषणा कर दी थी कि भाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के जो सामूहिक विवाह हो रहे हैं वो 1 तारीख को इन लोगों के विवाह होंगे, परंतु आचार संहिता का जैसे ही आचार संहिता लगी उन्होंने निरस्त कर दिया। पर सर मेरा कहना ये है कि आचार संहिता के पहले ये प्रस्ताव हो गया तो फिर आचार संहिता में क्यों निरस्त हुआ? अब ये गरीब घर के मजदूरी करते हैं, अब या तो घर से करेंगे दुल्हन बन गई है, अब या तो मकान गिरवी रखे, या कोई गाड़ी घोड़ा तो ही नहीं उनके पास, सिर्फ एक ही हथियार है मकान जिसमें रह रहे हैं, वो मकान गिरवी रख के मकान खाली करके अब कहीं भी फुटपाथ पर रहेंगे क्या करें? बच्ची को तो घर रख नहीं सकते, हल्दी लग गई है उसकी शादी तो करना पड़ेगा। कहाँ से बारात आने वाली? बारात इंदौर से आएगी। आपको नाम बोलो। नाम, मेरा नाम है राजाराम सोने, ये दुल्हन का फूफा जी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।